समा विस्तार में स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम पर किए गए जानलेवा हमले की घटना अंतर्गत आखिरकार पुलिस द्वारा ये हमले में शामिल वैसी दो महिला सहित छह लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें नामचीन बुटलेगर वैसा दिलीप उर्फ लाला डामोर की गिरफ्तारी करते हुए उसके पास से एक डायरी भी बरामद की है। शहर के समा विस्तार में पुलिस तंत्र पर एक कलंक लगाते हुए स्टेट मॉनिटरिंग की सेल की टीम पर स्थानिक बुटलेगर और उसके परिवार द्वारा जानलेवा हमला करते हुए शराब का मुद्दा माल छुड़ा कर ले गए थे। ऐसे में समा पुलिस द्वारा जारी की गई सघन तहकीकात में दो महिला सहित छह लोगों की स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम पर हमला करने अंतर्गत गिरफ्तारी की गई है। शहर में बढ़ रहे वैसे असामाजिक प्रवृत्ति अंतर्गत मानो शहर में पुष्पा राज चलाते हुए बुटलेगर मानो सक्रिय बने हैं और पुलिस का कोई भी खौफ ना रहा हो वैसे अपनी दबंगाई दर्शाते हुए पुलिस पर ही हमला करने के बीच उनके आदमियों को छुड़ाना और शराब का मुद्दा माल छोड़कर भाग जाना वैसी घटनाएं प्रकाश में आते हुए पुलिस विभाग में हलचल मची थी, जहां स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने मिली खबर के आधार पर गुनाहित जगह पर छापेमारी करते हुए अपराधी वैसा नामचीन बुटलेगर दिलीप उर्फ लाला डामोर की गिरफ्तारी की थी, जहां उसके पास से शराब का मुद्दा माल हिरासत में लेते हुए बाद उसे पुलिस थाने लाया गया। लेकिन स्थानीय विस्तार में बुटलेगर के परिवार तथा स्थानीय लोगों ने स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम पर हमला करते हुए बुटलेगर दिलीप डामोर और पकड़ा हुआ मुद्दा माल भी छुड़ाकर बाद फरार हो चुके थे, जो ये घटना में जारी की गई सघन तहकीकात में आखिरकार अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल है, जहां पुलिस ने अपराधी वैसा धीरज राजकुमार पांडे, दिलीप उर्फ लाला मना डामोर, राहुल उर्फ भाटो मारवाड़ी, भाईलाल माड़ी, मंजुला दिलीप डामोर तथा ऋषिका दिलीप डामोर की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही जारी की है, जिसमें दिलीप मना डामोर और राहुल मारवाड़ी तथा धीरज पांडे गुनाहित इतिहास धारी थे। उनके खिलाफ पहले भी कई प्रोहिबिशन के गुनाह दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने अपराधी वैसा दिलीप डामोर की गिरफ्तारी करते हुए चार मोबाइल फोन को जब्त किया है तथा उसके पास एक डायरी भी बरामद की गई है। जाहिर सी बात है कि ये डायरी बरामद होने के बीच अन्य कई बुटलेगरों के साथ उसकी मिलीभगत और सांठगांठ के भी पर्दाफाश हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने तमाम की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही का दौर जारी किया था।